गाइस मोबाइल फोन के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए, या जो है आपके फोन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, या जो है आपके फोन को ज्यादा ही सिक्योर रख सकता है। तो गाइस मेरा नाम है राज सोनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो अपने फोन को कैसे सिक्योर रखें, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो है टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ मोबाइल फोन्स के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस नंबर वन पे आता है सीक्रेट कोड। तो गाइस मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट कोड बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने फोन में डायल करेंगे तो आपके सामने आपके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इससे जो है आप अपने फोन के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो गाइस ये कोड है *#*#4636#*#*#। तो गाइस जब आप अपने फोन में ये कोड डायल करेंगे तो डायल करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको फोन इन्फॉर्मेशन, बैटरी इन्फॉर्मेशन और वाईफाई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। इसमें जो है आप अपने बैटरी के बारे में देख सकते हैं या फिर फोन का इन्फॉर्मेशन आप ज्यादा ले सकते हैं इस यहाँ से। तो कभी कभी गैस ऐसा होता है कि आप अपने फोन को जो है रिबूट करना भूल जाते हैं और इससे जो है आपका फोन जो है स्लो चलने लगता है, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है। तो गाइस इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपने अपने फोन को पिछले दिनों कब जो है आप अपने फोन को रिबूट किए थे। तो इससे जो है आपको इसमें टाइमिंग उसका पता चल जाएगा और इससे जो है उसे आप अपने टाइम पे जो है रिबूट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस नंबर टू पे है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। तो गाइस ये जो ट्रिक है ये बहुत ही मजेदार ट्रिक है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी पता नहीं लगा सकेगा कि आपने कैसा पासवर्ड लगाया है। कोई ये इंसान ये भी नहीं जान सकता है कि आप जो है ऐसा भी पासवर्ड लगा सकते हैं। इसमें गाइस ये होता है कि आप जो है अपने फोन में अपना ही टाइम का पासवर्ड लगाते हैं, जैसे कि आप जो है आपके फोन में जितना टाइम हो रहा है वही आपका जो है करंट पासवर्ड होगा। इसमें जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपका पासवर्ड भी चेंज होता चला जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे सिंपली सर्च करना है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड, और इसको सर्च करते ही इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आप जैसे इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पहले वाला ऑप्शन को इनेबल करना है और दूसरे ऑप्शन पे जो कि रिकवरी पासवर्ड का है, इसमें आप जो भी पासवर्ड डालेंगे उस पासवर्ड से आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा और जो आपका टाइम रहेगा उससे भी आपका जो फोन रहेगा वो अनलॉक हो जाएगा गाइस। तो गाइस ये जो तीसरे ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह ट्रिक इस वीडियो का सबसे मजेदार ट्रिक है, क्योंकि जब आप इसको अपने घर पे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपने सुना ही होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो कभी कभी कैमरे में कैद हो जाती है। उसी तरह कुछ इस ट्रिक का भी कुछ ऐसा ही काम है। तो गाइस इस ट्रिक का नाम है चेक योर रिमोट। इसमें आपको करना क्या रहता है, आपको जो है अपने फोन का कैमरा जो है ऑन करना है, और आप जब भी अपने रिमोट से अपने टीवी को जब भी आप कंट्रोल करते हैं तो उसमें आपको कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आता है। तो इसमें आपको अपने फोन का कैमरा ऑन करके रिमोट के पास ले जाना है और रिमोट का बटन प्रेस करना है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो रिमोट का जो लाइट होगा वो ब्लिंक करते हुए आपके फोन में दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसे बिना कैमरे के देखेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। गाइस इससे आप अपने रिमोट के बैटरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका बैटरी कितना खराब है कितना सही है। अगर वो कम ब्लिंक कर रहा है तो आपका बैटरी जो है डेड होने वाला है, और अगर वो अच्छा खासा ब्लिंक कर रहा है तो आपका बैटरी अभी चल सकता है कुछ टाइम के लिए। तो गाइस नेक्स्ट ट्रिक का नाम है फाइंड IMEI नंबर। तो गाइस इस ट्रिक में आपको जो है आप अपने फोन का IMEI नंबर फाइंड करना सीख जाएंगे। तो इसमें जो है आपको अपने डायल पैड में जो है टाइप करना है *#06#। जैसे ही आप इस नंबर को टाइप करके डायल करेंगे तो आपको जो है आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और इसमें आपको IMEI नंबर देखने को मिल जाएंगे।
तो ज्यादातर फोनों में ड्यूल सिम का ऑप्शन रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे दो IMEI नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही आप इस नंबर को देखें तो आप इसको नोट करके रख लें, क्योंकि आगे जो आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। तो इस समय जो है लोगों का फोन चोरी बहुत होते हैं, तो इसमें आपको ये IMEI नंबर बहुत ही काम में आएगा, क्योंकि जब भी आपका फोन चोरी होगा तो इससे जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस नंबर को आप जैसे ही पुलिस को देंगे तो आपका फोन जो है कहीं पर भी रहेगा वह ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि जो भी फोन आपका चुराया रहेगा वो जो है कभी ना कभी इस फोन में सिम कार्ड जरूर डालेगा, और जैसे ही वह सिम कार्ड डालेगा तो आपका फोन ट्रेस हो जाएगा, जिससे पुलिस आपके फोन का पता लगा के आप तक वो फोन आसानी से आप तक आ जाएगा फोन। तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।